बजरंग बली। कोई एडिटिंग नहीं आती मुझसे, ट्यूशन ले रही है। पापा को आज कोई प्यार ही नहीं करता है। मतलब कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे, लाइक स्पॉन्सर का तो इससे भी ज्यादा होता है। फैमिली कैसे हैं आप लोग, हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं विकास, मैं सुहाना, मैं बीमू और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। हाँ दोस्तों, आप लोग आज के इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, हमें उम्मीद है आप लोग देखेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारे व्यूज डाउन हो गए हैं, क्योंकि ये कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनको देखना है वो तो देखते ही। देखिए कल हम शाम को गए थे, उधर से मिट्टी लेके आए इस प्लास्टिक में, इसमें हम तुलसी रोपेंगे। काफ़ी दिनों से हमारा तुलसी सूख गया था, तो अब जो बारिश हो रहा है तो तुलसी मतलब बहुत सारे तुलसी कई जगहों पे है, तो हम पहले ये मिट्टी को बदल देते हैं, क्योंकि उस मिट्टी में पावर नहीं रह गया है, मतलब फर्टाइल मिट्टी नहीं है, लेकिन ये मिट्टी फर्टाइल है, हम खेत में से लेके आए हैं, तो इसको हम पहले कुछ किसी डिब्बे में रखेंगे। बड़ा डिब्बा ही नहीं है हमारे पास दोस्तों, वो जो गमला बनाएंगे वो बड़ा डिब्बा ही नहीं है, तो छोटा जितना भी है जैसा ही छोटा है वैसे में ही इसको हम डाल देते हैं। और काफ़ी कमेंट आया था उस दिन कि डब्बे में ना बोतल में नीचे से होल कर दो तो पानी एडजस्ट होगा, तो हम चलिए नीचे से होल कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम डाल देते हैं किसी डब्बे में, और कल हम तुलसी रोप लेंगे। कन्फर्म कितने दिनों से हम तुलसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, बस सूर्य देवता के करते हैं, घर में करते हैं फोटो मूर्ति वगैरह के, तो हम जल्दी से कल रोप ही लेंगे तुलसी। चलो सोना, हम ये आप ले लीजिएगा ना, ये आप ले लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ कर लो, मेरा कमर कुछ दिनों से बहुत दर्द कर रहा है फिर से। इसको यहाँ पे रख दिए हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों, तो मेरे पीछे देखिए काफ़ी दूर वहाँ पे एक नया घर बन रहा है जिसकी छत ढलाई हो रही है, और वो देख करके बहुत ये फील हो रहा है अंदर अंदर ही कि मतलब हम लोग भी यहाँ जो बना रहे थे, आपको दिखाते ये जो हम बना रहे थे घर, यहाँ पे भी अगर हम कंप्लीट कर पाते तो हमारा भी इस तरह से छत ढलान होता ना दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगता, वो खुशी उस कोई मतलब एक्सपीरियंस कर पाते उस चीज़ को। लेकिन वो बनने से पहले ही हमारा चैनल डेड हो गया, और जो पैसे थे हमारे पास वो कुछ इलाज करवाने में भी खर्च हो गए, बीमू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी हॉस्पिटल गए, मेरा भी तबीयत ख़राब हुआ था, तो ऐसी कुछ है सीन यहाँ की। और मुझे पता है ये सुनने के बाद कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि मतलब कुछ काम तुम क्यों नहीं करते हो, कहीं पर जॉब कर लो, तो देखिए सिंपल सी फंड है इसमें, मैं कहीं पर जॉब करूँगा तो 6-7 हज़ार की जॉब मिलेंगी, उससे हमारी पेट चलेंगी, इससे हमारे घर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। और हाँ तो फिर कहेंगे तो मतलब फिर भी करना चाहिए, तो अभी भी मैं जितना कमाता हूँ उससे हम सब लोग की पेट चल जाती है। एंट्री हो रही है हमारे बीमू की, आ जाओ बाबू। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सर दर्द कर रहा था, तो अभी मैं सर धोली। हाँ फिर भी मेरा सर दर्द कर ही रहा है। क्यों और क्या दिक्कत है बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक कर दूँ। और मत छुओ ये, अगर दर्द कर रहा है तो मैं कर देता ना। अब कहाँ पे रखना है इसको, देखो किस तरह से पटक दिए, फूट गया ना। देखिए इसको क्या प्रॉब्लम होगा, इसमें भी मुझे लग रहा है वो होल करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो इसमें पानी निकल नहीं पाएगा ना, क्योंकि पानी रहेगा ज्यादा तो पानी गला देगा। ये भी सूखने लगा है, इसको भी कुछ करना पड़ेगा, इसमें होल किसी से करे, हम जुगाड़ लाते हैं, ठीक है। हम एक यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रखे थे, पता है कहाँ है, उधर गया, काफी मेहनत के बाद। हाँ क्या बेटा, बुला रहे थे क्यों? बुला रहे थे क्यों, आओ ना नीचे, क्या कर रही थी आप, नीचे आओ, आप भी आओ, देखो क्या हो रहा है, क्या कर रही हो सुहाना, आप बताइए ना। हाँ सुहाना मत करो, लोग उखाड़ दिए सुहाना, सुहाना शरारत बहुत करती है, शरारत करती है सुहाना, इसको यहाँ पे रख दो। ये वाला फूल लग गया है, क्या ये वाला फूल लक्ष्मण बूटी जो है। हाँ। वो लग गया है देखिए, हरा हरा इसमें से निकला, लेकिन इसका ये भी लग गया है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, इसमें खाद डालना पड़ेगा। बट खाद मत डालो तब अच्छा से फूलेगा, इससे छेद करना पड़ेगा, इसमें भी है। हाँ लाइए नीचे से, इसमें तो मुझे माया दया लग रहा है, ममता लग रहा है हमको, माया लग रहा है कि मोह लग रहा है, ये माया मोह की नगरी है। कहाँ पर है, यहाँ पे नीचे, इसे नीचे, इसे भी नीचे, इससे कहाँ होगा। हाँ यहीं पे करो, उसी लाइन में कर दो। जय बजरंग बली। हो गया क्यों ना आगा बजरंग, क्या आदि पुरुष का नाम नहीं लिए हैं, बजरंग बली का नाम लिए। अगर आदि पुरुष का नाम ले लेते ना। हाँ। तो पता है क्या होता, क्या होता, बजरंग बली साथ नहीं देते, नहीं अभी चमगादड़ उड़ने लगता है यहाँ से।
सुहाना रोपी थी फूल, ये भी लग चुका है। सुहाना के पापा दो दो फूल एक ही गमला में डाल दिए। और ये मैं रोपी थी, ये लग नहीं रहा है, अभी तक लगा है, पता नहीं लगेगा भी कि नहीं। और ये तो पहले से रोपा है। सुहाना के दोस्त वहाँ पे आके वेट कर रहे, सुहाना के को करने दीजिए ना हमको, करे दर्द होगा। हाँ हो गया। सारे यूट्यूबर्स लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग जो ब्लॉगर है वो पीछे वाले कैमरा से करते हैं ना ब्लॉगिंग, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो है पीछे वाला नहीं, हाँ पीछे वाला कैमरा जो है जो वाइड एंगल में हम लेते हैं। गिरेंगे? नहीं गिरेंगे बेटा, आप इधर रहो, इधर साइड में। हमारे है अच्छा क्वालिटी नहीं है ना, इसलिए हम नहीं करते बैक वाले से। हो गया। और शाम के वक्त काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर में ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, चारों ओर एकदम हरियाली दिख रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा वो खाद डालना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं धरती वाले खाद नहीं होता है, यूरिया बोलते हैं शायद, वो डाल देंगे क्या? वो मिट्टी को ही फर्टिलाइज करते हैं और कुछ नहीं, मिट्टी वाले खाद ही उसको बोलते हैं। हम खाद नहीं यूज करेंगे। तो क्या हुआ, फूल फूल में करेंगे ना, फूल में ही नहीं करना, फूल हमको खाना थोड़ी ना है। अरे फूल कहीं खाद में होगा, रिसर्च करो पहले इंटरनेट में कि डालना है कि नहीं है। डालना होगा मुझे लग रहा है। इसमें आप वो डाल सकती हो क्या, अगर खाना पकाती हो ना? हाँ तो वो भी है हमारे पास। इस बार हम क्या करेंगे, मिट्टी के साथ वो भी मिक्स कर देते हैं क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐस ना है? हाँ है। ठीक। तो अभी हम वो छाउर बोलते हैं हम लोग जिसपे जिससे हम खाना बनाते हैं, ऐस, वो हम कहीं पे प्लास्टिक प्लास्टिक में बंद कर करके रखे थे, यहीं पे यहाँ है हमारे पास काफी है, एक दो तीन ऐसे प्लास्टिक में है, एक प्लास्टिक से हो जाएगा एक एक गमला। अभी तो इसमें वो है बेटा, छाउर है बेटा ना, है तो इधर देखो हुआ, देखिए ये ठीक है ना। हाँ मिक्स करो पहले इसको, पूरा मिक्स करना है। बताओ क्या कर रहे हैं हम? काम। क्या काम कर रहे हैं? बोट कर रहे हैं, बोतल में छेद कर रहे हैं, छेद छेद। हाँ होल बना रहे हैं, होल बना रहे हैं। अभी ज्यादा पानी ना बेटा। हाँ। ज्यादा पानी ना उसमें से। हाँ। निकल जाए एक्सेस पानी जो होगा, जो पानी उसको चाहिए उस मिट्टी को उतना ले लेगा, उसके बाद और मिट्टी निकल जाएगा पानी ना। हम चारों तरफ से छेद कर दिए ना। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पानी भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा ना। ये चूल्हा तो हम बनाते बनाते रह गए, पूरी खीर खाने का मन कर रहा है, सोना पापा को पूरी खाने का मन कर रहा है, हम सोचे पूरी बनाएंगे तो साथ में खीर भी बना लेंगे। कब हमको पूरी खाने का मन हुआ? अब आज तो दोपहर को बोल रहे थे। हम बोल रहे थे, खुद ही बोल रही थे मम्मी ना, इसमें धर रही है माटी। जोर से बोला करो बेटा, जोर से। ठीक है। नहीं देता है। सोना के पापा इतना घोल कर लिए, हो गया ना, हो गया, दो लाइन कर रहे हैं, दो लाइन कर दिए ना, मुझे लगता है हो जाएगा इसे। मैंने यहाँ पे चारों ओर से कर दिया ताकि जो पानी पड़ेंगे ना इसमें तुलसी रोपेंगे तो इसमें जल भी पड़ेगा रोज का रोज, जैसे से पानी जो होगा जितना नहीं चाहिए होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। चारों तरफ से हमने छेद कर दिए, होल कर दिए। बाकी और भी क्या कुछ हमें यहाँ पे करना चाहिए दोस्तों इस एरिया में, देखिए इतना एरिया है, हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम यहाँ पे करेंगे ताकि ब्लॉग भी अच्छा देखने में लगे। और जैसे ही हम नीचे आए तो देखिए ये दोनों बच्चे सीढ़ी पे बैठ कर क्या कर रही है, क्या कर रही है, पढ़ाई, क्या 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 पढ़ रही थी दोनों, बॉडी पार्ट्स। हाँ, इसे नोज। हाँ गुड। तो कितने प्यारे प्यारे पकोड़े बन रहे हैं हमारे नाश्ते में, आज बहुत भूख लगी है। यहाँ पे भी मुझे एडिटिंग कर रही है, ये बड़ा वीडियो को छोटा वीडियो में फिक्स करने के लिए क्या करें? अभी अभी इनको एडिटिंग नहीं आती, मुझसे ट्यूशन ले रही है। ऊपर से नीचे आया और देखिए मैंने कितना किया, ये पकौड़ा बनाया बीमू जी ने, और यहाँ पे जो ये मैगी है, ये मैगी बनाया मैंने। देखिए अभी हम लोग मस्त नाश्ता करते हैं दोस्तों, काफी भूख लग चुकी है, आप लोग भी आइए कर लीजिए,
अभी बिल्कुल भी जूठा नहीं किए हैं, ऐसे ही है। बच्चा पक गया, कैसे पक गए? अब ऐसे क्यों किया, आपको नहीं पता ये आग है? तो बाहर लामा नहीं था ना, ऐसे किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन और अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बत्ती बंद हो चुका है। तो अभी हम आए हैं किचन में खाना बनाने के लिए और मैं सोच रही थी चेकअप करवाने जाऊँगी मैं अपना, तो देखते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कमर दर्द कर रहा है और इतना भी छाती दर्द कर रहा है। चेकअप नहीं करवाओगे आप? छाती दर्द नहीं करता है तो मेरे छाती में क्या हो गया ना, कफ जम गया। सो होता है, हाँ, तो ये भी अच्छे करवाने जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। आ गया। हम जाएंगे उधर, आप जाओ जयनगर। हाँ तो ठीक है, वही पे आप भी करवाना है। ना, हम जयनगर भी जाएंगे, हम इधर ही जाएंगे। आ जाओगे? हम कभी क्या, 2 महीने से आपको ये प्रॉब्लम है, जाओ आप चेक करवाने, बल्कि हम दूसरे दिन चले जाएंगे। बीमू नाराज हो गई है, बेचारी का चावल खत्म हो गया है घर में। हाँ, उस दिन जिस दिन गौ माता आई थी तो उस दिन हम जो वो चावल दिए थे ना, तो हम बोले थे कि हमारा चावल खत्म हो गया है, तो एक कमेंट आया था कि एकदम से पूरा खत्म करके नहीं देना चाहिए, 2 दाना ही रख के देना चाहिए। तो मतलब था हमारे पास, हम बोले कि बस हम ये बोलना चाहते थे कि कुछ ही चावल रहा है, हमारा चावल भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं था कि हम पूरा खाली करके दे दिए। अब जाके चावल खत्म हुआ है, कितने 5-7 दिन तो हो गया होगा ना। हाँ। अब जाके खत्म हुआ है, फिर भी अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं होगा, आज लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर चावल बहुत महंगा है ना, क्या करें, गाँव से खरीद के लाएंगे तो चलेगा, हमारे घर से तो देंगे नहीं, क्या करेंगे, अपने ही घर से खरीद ले मम्मी से। आप मम्मी बेचती है दूसरों के आदमी, हमको खरीद बेच नहीं, वो देती नहीं है। उनको बोलो ना, आप बेचते ही हो तो हम पैसे देते हैं, हमको ही 50 किलो दे दो। पापा को ना बोलेंगे कि बेचे होंगे, पैसे भी देंगे तो पापा बोलेंगे कि ये दिए ही होंगे ऐसे ही। इससे अच्छा है कि हम कहीं और से ले लेते हैं, इसलिए मम्मी भी नहीं देना चाहती है। हमारे यहाँ चावल ना बहुत महंगा है, 25 किलो का चावल हाफ बॉइल वाला 1200 का है, और इधर गांव में खरीदेंगे तो कितने का है, गांव में शायद 2500 का कुंटल, 2500 कुंटल है ना। देखिए दोस्तों कितना फर्क है, 2500 में 100 किलो, 2500 ने अभी बेसी हो गया है थोड़ा, 3000 शायद, 3000, हाँ 3000 हो गया, हाँ चावल का 3000 हो गया, तो 3000 का मिलेगा 100 किलो गांव में, यहाँ पे 1200 को मिलेगा 25 को। आज पहली बार बीनू की मन हुई है ये खाने की, स्वाद मुझे सोयाबीन का सब्जी ना बहुत दिनों में कभी कभार मन करता है खाने को, आज कर रहा है, सोना के पापा बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप ही बनाओगे। पहले चलते अपने लाडली को उठाते हैं। सना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज सोना के ट्यूशन नहीं है तभी तक सो रही है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठो, पापा को आज कोई प्यार ही नहीं करता है, हम क्या करें, पापा तो दुखी हो गए। पापा को कोई प्यार करता है? नींबू सब ना बीच में धर के रखते हैं वो लोग, देखिए लाते हैं 2-3 दिनों में ही सड़ जाता है, देखिए सड़ गया। बेटा बेटा 12 जतवा गया, 13 कब सुना, हम देंगे तब ना, चलो पहले फ्रेश हो जाते हैं। हाँ किसके पास हुई थी रात को, तो वहाँ से इसमें ढील आ गया मुड़ी में। मेरे दोस्त थे वहाँ पे, हाँ। मैं नहीं आना चाहती आप लोग को दिखाते, हाँ। उसको ना बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, हम तो ढील बोलते हैं, हम ढील बोलते हैं, लव स्लाइस बोलते हैं उसको ना, हाँ। इसमें पता नहीं आप लोग यहाँ पे क्या बोलते बताइएगा, बहुत है उसकी मुंडी में, वही पे ये सोई थी शाम को, कल ही हमारे पेमेंट आई है दोस्तों यूट्यूब की, और ये आज सुबह ही ले ली, 10,000 आया था, बता देते आप लोग को। हमारे यूट्यूब पेमेंट 10,000 आया था, क्योंकि व्यूज सारा कम हो गया है ना, तो पैसे भी कम आ रहे हैं। हम बोले थे ना आपको, अगर 40-50 हज़ार व्यूज आए तो 40-50 हज़ार की महीने होती है। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि मतलब कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे, लाइक्स वगैरह सब्सक्राइब वगैरह का, जिनको पता नहीं होगा उनको बता दे, ना लाइक्स का पैसा मिलता है ना कमेंट का, ना सब्सक्राइब का। कमेंट्स और लाइक्स करिएगा, हाँ करिएगा, लेकिन इनका पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है हमको सिर्फ व्यूज का, जिसपे एड चलता है ना, आप लोग वीडियो देखते हैं तो एड चलता होगा, उस एड का हमको पैसा मिलता है, और जिसका जितना व्यूज है उसको उतना पैसा मिलता है। अगर 1,00,000 व्यूज आते हैं सारे वीडियो पे, तो उनका 1,00,000 से ऊपर का पैसा आता है यूट्यूब से, और क्या उससे ज्यादा आता है। अगर 50,000 आता है तो 50,000 महीना समझ लीजिए, 1,00,000 व्यूज आता है तो 1,00,000 का महीना समझ लीजिए। दोस्तों ये होता है कि व्यूज से पैसा मिलता है, लाइक्स और कमेंट से हमको इमोशनली मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो हम बनाते रहे।
तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपको बताएं हमारा यूट्यूब पेमेंट कितना आया है और साथ में कितने व्यूज कितने पैसे मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें कोई भी क्रिएटर जिनको भी आप फॉलो करते हैं पसंद करते हैं, अगर आप लोग झूठ बोलते हैं कुछ भी करते हैं आप उनको पकड़ सकते हैं। इतना हम जानकारी आपको दे दिए ब्लॉग के बारे में तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा था। टेक में तो 1,000-1,500-2,000 व्यूज में एक डॉलर बन जाते हैं, हमारे यहाँ 3,000 से 5,000 तक भी बनता है। हाँ बस समझ लीजिए ना कि अगर 50,000 व्यूज है तो 50,000 1,00,000 ब्लॉग्स में किसी भी ब्लॉग 1,00,000 व्यूज है तो 1,00,000 का महीना, 2,00,000 व्यूज है 2,00,000 का महीना, 1,000,000 का व्यूज है तो 1,000,000 नहीं बल्कि 15,00,000 का महीना समझ 10,00,000 से ज्यादा। हाँ ज्यादा ही हुआ था, वो सिर्फ हुआ यूट्यूब का इनकम, स्पॉन्सर का तो इससे भी ज्यादा होता है, ये अलग इनकम हो गया। तो इतना है यूट्यूब पे, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वैसे हमसे इंस्पायर होकर बहुत हमारे दोस्त अभी जिनसे हम जुड़ चुके हैं वो लोग यूट्यूब खोल के काफी सक्सेस हो चुके हैं, हमसे भी बहुत आगे बहुत आगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी आपको गाइड करें और जो हमको पता है वो आपको हम सिखाएं तो बोलिएगा, हम बेम्बिक चैनल पे सारा टेक्निकल के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। कैसा रहेगा ये बताइएगा, साथ में चाय पीते हैं और इसी के साथ इसके ब्लॉग हम एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, हम क्या करें, टेक के रिलेटेड वीडियो बनाएं या ना बनाएं? ओके टेक के बनाएं या फिर मूवी रिव्यू का बनाएं, क्योंकि एक मूवी रिव्यू का मैं डाली थी तो जितने भी कमेंट्स आए 10-11 सब लोग बोले कि बहुत अच्छा है। बताइएगा मूवी रिव्यू बनाएं या फिर टेक बनाएं। बाय बाय।